नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का कैबिनेट विस्तार कर दिया गया है। 3 दिसंबर को आए चुनावी नतीजों के 22वें दिन राज्य में बीजेपी सरकार अपने पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुकी है। हालांकि इसके लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने मोहन यादव को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कैबिनेट विस्तार से पहले उन्हें 3 बार दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े। पार्टी ने मिशन 2024 को भी ध्यान में रखा है और मंत्रियों के चयन में इसकी झलक साफ तौर पर नजर आती है। मंत्रिमंडल चयन में जातिगत समीकरण को भी सेट करने की कोशिश की गई है। जातिगत आधार पर देखें तो 28 में से सबसे ज्यादा मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विधायकों को मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री ओबीसी बिरादरी से बनाए गए हैं, तो वहीं सवर्ण वर्ग से 7 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया है। वहीं कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों का दबदबा देखने को मिल रहा है, जबकि शिवराज की तरह उनके कई समर्थक विधायकों को भी मंत्रिमंडल से किनारे कर दिया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी ने विपक्ष से ओबीसी का मुद्दा छीनने की कोशिश की है, तो वहीं कैबिनेट के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से आगे की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ सीनियरिटी से काम नहीं चलेगा और ना ही जूनियर को छोटा समझा जाएगा। मध्य प्रदेश के मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में 28 विधायकों को सोमवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मंत्रियों के चयन से साफ नजर आता है कि बीजेपी ने मिशन 2024 को ध्यान में रखा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण को साधने का काम किया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में से 12 ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि 7 सामान्य वर्ग से हैं, 5 एससी वर्ग से हैं और 4 एसटी वर्ग से हैं। मोहन यादव खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिससे नई सरकार में ओबीसी नेताओं की संख्या 13 हो गई है, जबकि उनके डिप्टी राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण हैं और जगदीश देवरा एसटी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी बिरादरी की आबादी 50% से ज्यादा है। देश के कई राज्यों में जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है, उसे देखते हुए बीजेपी ने यहां पर जातिगत समीकरण को सेट करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश सरकार में सीएम समेत ओबीसी मंत्रियों की संख्या 13 होने से बीजेपी ने कांग्रेस से ओबीसी का मुद्दा छीन लिया है। राहुल गांधी लगातार ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर थे, लेकिन मोहन मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी को भागीदारी देकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। वहीं इस बार की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा देखने को मिला है। कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी ऐदल सिंह कसाना, गोविंद राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर और तुलसी राम सिलावट को कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये सभी 2020 में कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से प्रद्युमन सिंह तोमर और तुलसी सिलावट पिछली शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। वहीं इस बार 17 नए चेहरों को भी जगह दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री बनने से चूके शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रहे कई बड़े चेहरों को मोहन यादव कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। इनमें शिवराज सरकार के प्रभावशाली मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ओम प्रकाश सकलेचा, बिसा हुलाल सिंह, मीना सिंह, हरदीप सिंह डंग और उषा ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं। वहीं इस बार सिंधिया के करीबी डॉक्टर प्रभु राम चौधरी को भी कैबिनेट से बाहर रखा गया है। अब इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। हर नेता को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट में मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकेत साफ है कि भाजपा अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से आगे की ओर बढ़ रही है। सिर्फ सीनियरिटी से काम नहीं चलेगा और ना ही जूनियर को छोटा समझा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद
कांग्रेस भी सतर्क हो गई है। बीजेपी की राह पर चलकर कांग्रेस ने संगठन में बड़ा पीढ़ी परिवर्तन करते हुए युवाओं को कमान सौंपी है। कमलनाथ के बाद युवा चेहरे जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत कटारे काम करेंगे। कमान संभालते ही जीतू पटवारी एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने संगठनात्मक बैठकें शुरू कर दी हैं, लेकिन पार्टी के सामने अब बड़ी चुनौती लोकसभा के चुनाव हैं। ये चुनाव और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस की नई टीम और बड़े नेताओं दोनों की अग्नि परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश के जरिए बीजेपी ने 2024 के लिए बिसात बिछा दी है। बीजेपी की नज़र मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने की है। अब देखना है कि बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह से कांग्रेस कैसे निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APM। तो मध्य प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार बहुत कुछ सियासी संदेश देता हुआ नजर आता है और बीजेपी ने साफ तौर पर मिशन 2024 को देखते हुए इन नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है और इसी को लेकर करेंगे मुद्दा में चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सतेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति पांडे जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत भूपेंद्र जी। और पहला सवाल आपसे ही भूपेंद्र जी, बीजेपी लगातार नए नए प्रयोग कर रही है। चुनाव के टाइम भी हमने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायक पद का उम्मीदवार बना दिया गया, तो वहीं तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए दूर दूर तक उनका सीएम रेस में कहीं नाम तक नहीं था। अब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 28 विधायकों में से 17 नए चेहरे हैं। बीजेपी पुरानों को तो परख चुकी है, अब नई पौध को सींच रही है। देखिए, बीजेपी लंबी राजनीति कर रही है, उसकी सोशल इंजीनियरिंग बड़ी मजबूत है। उस अटल जी के टाइम पे सेकंड लाइन आ गई, अब मोदी जी अपने सामने थर्ड लाइन चाहते हैं। उनका विजन पूरा क्लियर है कि 50 साल के पहले की सोशल इंजीनियरिंग कर दी जाए, और उसके लिए जातिगत जो कांग्रेस जातिगत गणना की बात कर रही है, तो उसमें जातिगत गणना में वो निश्चित रूप से ओबीसी की जितनी कार्ड जाते हैं उनको डिवीजन करना चाहेंगी। इसीलिए इस मंत्रिमंडल में उन्होंने पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री दिया और डिप्टी उन्होंने सवर्ण का दिया, एक और एक SC ST का रखा, और इसी तरह से उन्होंने संतुलन ओबीसी का रखा, क्योंकि देश की आबादी में 52% के लगभग ओबीसी है राज्य में। तो जिस हिसाब से उनकी राजनीति है, उसी हिसाब से जातिगत संतुलन, जो उनकी जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस हिंदू वोट को डिवीजन की बात कर रही है, लेकिन वो उस जाति के हिसाब से अपनी सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं बीजेपी, और जिसके कारण उनको परिणाम उनके सुखद आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो उनके सीनियर नेता हैं उनको ऑलरेडी उनको पद मिल चुका है, एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर चुके हैं, अब हमें सेकंड लाइन चाहिए, थर्ड लाइन चाहिए, हमें नई जनरेशन चाहिए। और उसके लिए उन्होंने जो उनके पुराने सीनियर सांसद थे उनको उन्होंने स्टेट में ला दिया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पुरानों को तो परख चुके हैं, अब नए लोगों के ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति के लिए काफी अच्छा भी होगा। सतेंद्र जैन चौधरी सर, प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक में ज्यादातर बहुत ज्यादा बीजेपी के पुराने धुरंधर नहीं है। मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ दें तो एक दो नाम ही हैं जो पुरानी शाख के मजबूत हिस्से हैं। आप जो लगातार इतने सारे नए प्रयोग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि ये प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराएंगे? मैडम, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल आया है, जो हमारी सरकार है मोहन जी की कैबिनेट का, तो उसमें पूरा समन्वय किया गया है, और युवा हैं, महिलाएं हैं,
वरिष्ठ जन है, वरिष्ठ नेतृत्व है। आपने कैलाश जी का नाम लिया, प्रहलाद पटेल जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, चार बार के सांसद रहे हैं राकेश सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश के, वह भी हैं। तो ऐसे वरिष्ठ जनों का साथ भी है। निसंदेह मंत्रिमंडल जो है नव ऊर्जा से संचरित है और जिसमें सर्वपंथ संभव, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका कल्याण, इसमें ये देख रहा है जो हमारा मूल मंत्र है। और आप देखिए जिसमें जो अभी बताया गया टोटल 31 मोहन जी की जो कैबिनेट है, 31 लोगों की सदस्यों के कैबिनेट है, 31 में 13 ओबीसी समाज से आते हैं जो ओबीसी हैं, और 6 जो हैं एससी वर्ग से आते हैं, 4 एससी वर्ग से आते हैं और सामान्य वर्ग से आते हैं 8, और फीमेल हमारी जो बहने हैं मातृशक्ति है उसमें भी 5 है। 31 में 5 लगभग 17% के आसपास की जो मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, तो ऐसी बहनों को भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो निसंदेह मंत्रिमंडल बहनों को तो अवसर देना ही पड़ता ना, बहनों की वजह से तो राज्य में परचम लहराया है, बीजेपी बम्पर वोटों से इस बार जीती। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, हर जगह तो बहनों ने ही कमाल किया, दिल खोल कर इस बार आपको वोट दिया। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, हमें तो सब बहनों ने, किसानों ने, युवाओं ने, सभी लोगों ने, सभी भारत के जन जन ने, जहाँ जहाँ जो चुनाव हुए थे सभी राज्यों में दिया, मध्य प्रदेश में भी दिया। हमने उनको भगवान माना, ये तो उनको राक्षस मानते थे। अच्छा मैं तो अभी उसको खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला थे प्रभारी जी, उनको इसीलिए हटाया गया मध्य प्रदेश से क्योंकि समझ में आया कि उनको कमान सौंप दी गई थी, तो अभी सुरजेवाला जी की जगह जो दूसरे हैं उनको लेके आया गया, प्रभारी हैं भवर जी हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी सत्येंद्र जैन जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जरा दीप्ति पांडे जी से भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत देर से वो भी हमारे साथ डिबेट में बैठी हुई हैं। दीप्ति पांडे जी, आपने ओबीसी का मुद्दा उठाया, लेकिन आपकी सरकार जहां बनी वहां आप लोग इसका उदाहरण सही से रख नहीं पाए। वहीं बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री और ओबीसी मंत्रियों की अच्छी संख्या देकर आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो उसके पहले हमारे, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज रही है जी जी। हमारे जो भाई है ये हमेशा एक चीज भूल जाते हैं कि अपनी बात करते करते इन लोगों को अभी भी सपने आते हैं कांग्रेस से, मतलब हर बात में लेके ये अपनी सफाई बाद में देंगे, कांग्रेस पहले आएगी। तो इनका धन्यवाद तो कांग्रेस से इतना लगाव रखते हैं तो इनको तो पहले तो हृदय से धन्यवाद मैं देती हूँ। दूसरी बात, आपने कहा हम कहीं फेल नहीं हुए, कहीं पानी नहीं गिरा। देखिए आप और ये पूरा देश और प्रदेश ये बहुत अच्छे से समझ रहा है, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली घटना है, ये पहला कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है कि एक विधानसभा का सत्र बिना मंत्रिमंडल के गठन और विस्तार के संपन्न हो जाता है। बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारा बनता है कि हम उन सारे मंत्रियों को जिन्होंने भी शपथ ली, चाहे वो हमारी बहनें हो, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी को बहुत बहुत हृदय की अनंतिम गहराई से शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और साथ ही ये उम्मीद करती हूँ कि इन 18 सालों में 15 महीने को छोड़ के जो इन्होंने इन 18-20 सालों में भूख भय भ्रष्टाचार के साथ, बेरोजगारी और तानाशाही के साथ जो बढ़ती हुई महंगाई है, इस पर ही हमारे मंत्रीगण काम करें। प्रश्न ये नहीं है कि किनको कितना समावेश किया, किसको कितना लिया। अगर हम उसको देखें तो कई बड़े चेहरे गोपाल भार्गव, नीति पाठक, संजय पाठक जैसे ब्राह्मण चेहरों को दरकिनार भी किया गया, या यूं कहें तो किसी डीआईजी को एसआई बना दिया गया। पहले भी सांसदों को विधायक बनाया गया, अब उनको ये बता दिया गया कि आप बैठिए। जो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, एक ब्राह्मण चेहरा दिया तो है ना राजस्थान में, मुख्यमंत्री बना दिया, और आपको क्या चाहिए? एक जगह ओबीसी, एक जगह ओबीसी नहीं, मैं अब तीन राज्यों में सरकार आई है, तो वहाँ पर देखिए ना कि किस तरीके से किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी विडंबना है आप लोगों के साथ। अगर आप कभी मणिपुर की बात करते हैं, उन दो महिलाओं की बात करते हैं, अरे तो मैडम अभी तो जो नतीजे आए हैं, अभी जो नतीजे आए हैं दीप्ति पांडे जी, चिल्लाने से क्या होगा? यहाँ टीवी डिबेट में बैठकर आप लोग चिल्लाते रहिए, उससे क्या होगा? आप फिर डिबेट ही मत नहीं, आप बताइए ना क्या होगा? चिल्लाने से कोई लाभ हो रहा हो,
तो मैं आपके हाथ में माइक दे देती हूँ, आप और तेज तेज चिल्लाइए। अगर कुछ राज्यों में इस तरीके से सरकार बन जाए चिल्ला के, तो माइक दे देती हूँ आपके हाथ में लाके। जो जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है डिबेट करने का। ठीक है सतेंद्र जैन जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन जो लोगों की, एक सेकंड, ठीक है सतेंद्र जी, जो लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं आप लोगों से, और जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो जारी किया, जो चुनाव प्रचार में घोषणाएं की गई थी मोदी की गारंटी, अब जनता की निगाहें उसी पर हैं कि वो गारंटियां कब तक पूरी हो जाएंगी? देखिए बिल्कुल वो सभी पूरी होंगी। हमने जो संकल्प पत्र दिया था चुनाव पूर्व, चुनाव समय में, उस संकल्प पत्र के समस्त संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, जन जन की आकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। और देखिए हम तो भगवान मानते हैं, मध्य प्रदेश को एक मंदिर मानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते हैं, और हम कहते हैं आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो हमारे जो जगत हिताय है, जो मध्य प्रदेश के जन जन के लोग हैं उनका कल्याण कैसे करें, उस मंत्र को हमने आत्मसात किया है और मैडम हम पूरा कर रहे हैं। अभी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, डॉक्टर मोहन यादव जी यशस्वी मुख्यमंत्री है, और मुझे लगता है कि वो विक्रमादित्य की नए रूप है, जो हमारे एक शासक हुए हैं विक्रमादित्य, जो हमारे जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति में परिवर्तित कर दिया, ऐसे विक्रमादित्य की तरह वो कुशल प्रशासक सिद्ध होंगे। उसी कैबिनेट बैठक में उन्होंने हमारे जनजाति वर्ग के लिए, जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया था कि 3,000 रुपए मानक बोरा उनकी दर थी, तो उसको 4,000 रुपए मानक बोरा कर दिया। तो ऐसे जो तेंदुपत्र संगारक होते हैं, और मैं कहूंगी उसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, जो क्योंकि जो भी वनाच्छादित क्षेत्र होता है, जहां जहां पर भी फॉरेस्ट कवर एरिया होता है, वहां के आसपास के जितने भी लोग तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, सभी वर्ग के लोग संग्राहक बनते हैं। और उन सभी संग्राहक बंधुओं को हमने जो है ये 3,000 रुपए मानक बोरा से 4,000 रुपए का पहली कैबिनेट में कर दिया। इसी प्रकार से और भी जो 100 करोड़ रुपए हम जो ट्राइबल बंधु हैं उनके जो धार्मिक स्थल हैं ट्राइबल समाज के, उनको चलिए आपने आपने आते ही आपने ही मध्य प्रदेश की गद्दी पर काबिज होते ही आपने काम तो बहुत किए हैं। यूपी की तरह किस तरीके से बुलडोजर चला है वो भी हमने देखा मध्य प्रदेश के भीतर। बहरहाल मैं आऊंगी ठीक है सतेंद्र जैन जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन कई और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भूपेंद्र कुमार जी, मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। 28 मंत्रियों में से 7 मंत्री सामान्य वर्ग से हैं, जबकि ओबीसी वर्ग से आने वाले विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मोहन कैबिनेट में 6 मंत्री एससी वर्ग से और 4 मंत्री एसटी वर्ग से हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस बात को भले ही बीएसपी दोहराती है, लेकिन असल मायने में बीजेपी ने इसको चरितार्थ करके दिखाया है मध्य प्रदेश के भीतर। देखिए भारतीय राजनीति में जाति की बहुत महत्वता है, और इसमें रिलीजन्स तो है ही, धर्म तो होता ही है, लेकिन जाति के बिना राजनीति कहीं नहीं टिक पाती। भारत में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो जाति के अनुसार ही वोट अपने उम्मीदवार को खड़ा करती हैं, अपने कैंडिडेट तय करती हैं, और ये वास्तविकता है और इसको अपन नकार नहीं सकते। क्योंकि ये जो बीजेपी है, बीजेपी एक कैडर पार्टी है, संगठनात्मक, किसी भी व्यक्ति को, एक आंतरिक व्यक्ति के व्यक्ति को अगर वो संगठन में काम किया है उसको लाकर और वो सत्ता में भागीदारी देते हैं, पद देते हैं, और उसका पूर्णतः सपोर्ट भी करते हैं, उसकी योजनाओं को उसके उसको मानसिक रूप से, उसको बौद्धिक रूप से तैयार करते हैं, और जिसके प्रतिफल में नई एक पीढ़ी तैयार होती है। ये देखिए आप कितना बड़ा संदेश जाता है कि एक सामान्य अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति को एकदम से सत्ता में एकदम से आगे ला देते हैं, और जिससे लाने से क्या होता है, एक संदेश जाता है कि जो लाखों लोग होते हैं वो सोचते हैं हमारा भी नंबर आएगा, और इस नंबर के चक्कर में वो पूरे पार्टी में लग जाते हैं, और जिसके जिसके परिणाम सत्ता के विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों को फायदा होता है, और जिसके कारण एक अपनी एक विचारधारा, आप जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अब उसकी सोशल इंजीनियरिंग पहले क्या थी कि वो एक
जनता की पार्टी है, मतलब कि एक माहौल बनता है और पार्टी के रूप में वो सत्ता में आती है जी। लेकिन जमीनी रूप से काम करना पड़ेगा, ये संगठन के रूप में अगर काम नहीं करेंगे तो देखिए अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनके शुरू के सर्वे दूसरे थे और लेकिन जब परिणाम आए तो देखिए अचानक चौंकाने वाले परिणाम। ठीक है, जमीनी रूप से जुड़कर जनता के बीच में जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, जिस बात को अभी कह रहे थे भूपेंद्र जी, दीप्ति पांडे जी, उस पर तो जवाब दीजिएगा ही, और चलते चलते एक सवाल और भी आपसे, क्योंकि कुछ ही समय बाद आप लोकसभा की दहलीज पर होंगे, बीजेपी इसके लिए नई नई रणनीति बना रही है। अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ, नेटवर्क कुछ इशू आ गया था। जी जी करिए। पहले मैं आपसे अपनी बात एक कंप्लीट कर लूँ बहन। पहले तो आप एक बात का हमेशा याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। आप पत्रकार हैं और देश का चौथा स्तंभ है, इस देश का बहुत कुछ आप जैसे लोगों पर डिपेंड करता है। आप वो आईना है जो अगर समाज को दिखा दे तो सही दिशा और दशा प्रदान करता है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीटेड, एक सेकंड सत्येंद्र जैन जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, सुनने दीजिए, वो मेरे से बात कर रही है। सत्येंद्र जैन जी, वो मेरे से बात कर रही है, मैं सक्षम हूँ, मैं खुद जवाब दूंगी, आप कंप्लीट कीजिए, उनको सिखाओ दीदी। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, दीप्ति पांडे जी फिर कहेंगे कि समय नहीं दिया। दीदी जो है घबरा गई क्या? चलिए क्या प्रॉब्लम है? दीप्ति जी आवाज मिल रही है? फिर से मैं आपको मौका दे रही हूँ। चलिए, फोन कट गया है या काटा है, मैं इस बात को नहीं यहाँ पर दोहराऊंगी, लेकिन मेन चीज मैं सभी से यहाँ पर ये निवेदन भी जरूर करना चाहूंगी कि जब जो सवाल किया जाता है उस सवाल का ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस सवाल पर डिबेट में जो जितने भी हमारे डिबेट में चर्चा के लिए लोग जुड़ते हैं, अक्सर हमने देखा है कि उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, दूसरे मुद्दों पर बात करने लगेंगे, मुद्दों से भटक जाएंगे, और ऐसे में जो डिबेट है उसका कोई निष्कर्ष निकल कर आता नहीं है। इसलिए डिबेट का एक निष्कर्ष भी निकल कर आना चाहिए, और हार हुई है तो उसको भी स्वीकारना चाहिए, लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस को अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए और हार से भी कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए। बहरहाल, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।